बूम 64,000 PKR के अंदर गाइस ये प्रॉफिट आपका होना था, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, $9, और आपको प्रॉफिट कितना आया, 64,000 PKR, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकिब जावेद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल टिप्स विद आकिब। सो गाइज, आज का जो हमारा एपिसोड है ये क्रिप्टो बिगनर जो हमने कोर्स शुरू किया उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ये फिर भी वीडियो देखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जितना भी मैं आपको डाटा शेयर करूंगा ये मेरी ओन रिस्क के ऊपर है। तो अगर आप दोस्त इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अच्छी तरह से रिसर्च करें और फिर कहीं फैसला करें। आप अगर आप 100% सेटिस्फाइड इस चीज़ के ऊपर होंगे कि हाँ अब मैं इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो करिए, अदरवाइज़ मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और गाइज़, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू विजिटर हो और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भैया जल्दी से दबाइए इस रेड कलर के बटन को और साथ ही दबाइए बेल आइकॉन, क्लिक कीजिए ऑल के ऊपर ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और गाइज़, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो किस देर का वेट कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जल्दी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। और जल्दी जल्दी ये देखिए, मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट देता हूँ और उस हिसाब से फिर हम ट्रेड लेते हैं और फिर प्रॉफिट भी बनाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया, लाइव नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी इसको भी ज्वाइन कर लो। इसको मैंने मेन टारगेट इसलिए किया क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं फारिग होते हैं और उनका जो नेट पैकेज नहीं होता, तो फेसबुक के ऊपर वो मोस्टली अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं स्क्रॉल अप एंड डाउन करके। तो भाई, टाइम ज़ाया करने से अच्छा है आप यहाँ पे आके लर्निंग करो, लर्निंग करने के बाद यहाँ पे अर्निंग करो, जो कि ये फ्यूचर में आपको अभी से सिखा रहा हूँ फ्यूचर, ठीक है। कि क्रिप्टो जो है, ये करेंसी जो है, ये फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर। इसको अभी से सीखोगे तो कल को लोग आपको पैसे दे के सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी अपेयर हो रहा है। तो गाइज, ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट, वॉल स्ट्रीट द गेमिंग प्रोजेक्ट है। पर्सनली मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। कॉइन मार्केट कैप के अंदर इसका जो शॉर्ट टिकर है WSG और रैंक जो है इसका 1119 टोकन है। ये ब्लॉकचेन इसको यूज़ कर रहे हैं। किस ब्लॉकचेन को इन्होंने यूज़ किया, बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ किया इन्होंने अपना टोकन क्रिएट करने के लिए। और गाइस, इसको जो वॉच लिस्ट के अंदर, अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड किया है जिन लोगों ने, ऑलमोस्ट 2,84,000 समझ लें, 2,84,000 गाइस। जो इसकी मैक्स सप्लाई है वो है 1,000 ट्रिलियन, ठीक है, 1,000 ट्रिलियन। और जो टोटल सप्लाई है वो है 997 ट्रिलियन। और जो मार्केट के अंदर है सप्लाई इसकी 134 ट्रिलियन। और 24 घंटे का जो इसको ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है $1.6 मिलियन। और गाइस, जो इसकी टोटल मार्केट कैप है वो है अराउंड कोई $6 मिलियन, ठीक है। ये तो सब कुछ हो गया इसका। और यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो है वो देख लेते हैं। ऑल टाइम लो गाइस इसका 0.0 मींस 80 के बाद 1 लगा हुआ है। अगर किसी बंदे ने यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और ऑल टाइम जो इसका हाई है 0.0 के बाद 7 है और उसके बाद 4.2 है। अब इसको हम ज़रा थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैंने मिसाल है इस प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती और इस प्राइस पे सेल करता तो मेरा कितना प्रॉफिट होना था। सो तो गाइस, चलिए अब इसकी निकालते हैं कैलकुलेशन कि अगर मैं इस प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता आज से कुछ महीने पहले। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल वी और 90 करोड़ मैं कॉइन लगाता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, 90 करोड़ मैंने कॉइन लगा दिए यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर और मैं देखता हूँ कि मुझे कॉस्ट कितनी आनी थी। सो गाइस, $9 मुझे कॉस्ट आनी थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डॉलर के रेट से, आज का जो PKR में रेट है, मल्टीप्लाई 170। गाइस, मुझे कुछ महीने पहले, समझ लो 3-4 महीने पहले, जो मुझे कॉस्ट आनी थी 1530 रुपये आनी थी।
अब जो इसकी ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर हम देखते हैं इसको कि हमें प्रॉफिट कितना आना था। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, 378 डॉलर मेरा प्रॉफिट हुआ। कितने ऑलमोस्ट कोई 4-5 महीने मैंने इसे होल्ड किया होगा, और मे बी 2 महीने बाद इसका ऑल टाइम हाई लग गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आज की जो डॉलर की करंट प्राइस है, 170, बूम, 64,000 PKR के अंदर गाइस ये प्रॉफिट आपका होना था। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, 9 डॉलर, और आपको प्रॉफिट कितना आया, 64,000 PKR। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं इसके अंदर हमने इसको ज्वाइनिंग कैसे करनी है इसकी। सो तो गाइस चलिए अब देखते हैं कि हम इस सारे प्रोसेस को कर कैसे सकते हैं। पहले मैं आपको डेस्कटॉप पे बताऊंगा, और फिर यही सारा सेम सिस्टम जो है मोबाइल के ऊपर भी आपको बताऊंगा। तो मैं अपने केस के अंदर ये एक डमी वॉलेट एक बनाऊंगा, जो कि मैं बनाऊंगा फायरफॉक्स को यूज़ करके, और आप भी ये कर सकते हो, क्रोम के अंदर भी कर सकते हो और फायरफॉक्स के अंदर भी कर सकते हो, सेम एज इट इज़। तो गूगल के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे मेटा मास्क सर्च करना है। गाइस जैसे ही आप मेटा मास्क सर्च करोगे तो सबसे पहले ये वाला एक लिंक मिलेगा, metamask.io, इसी के ऊपर आपने जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद डाउनलोड नाउ करने के बाद इंस्टॉल मेटा मास्क एक्सटेंशन, यहाँ पर आपने ऐड लिखा होगा, ऐड एक्सटेंशन, तो मैं इसको फ़िलहाल रिमूव करता हूँ। ऐड टू फायरफॉक्स के ऊपर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोड होके आएगी, इसको मैं ऐड कर देता हूँ और ये मेरे पास आ गई। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब हम इसका अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट जो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक अलर्ट दे दूँ कि इसके ये जो अभी मैं आपको प्राइवेट कीज़ कुछ दिखाऊंगा, अगर आपके पास ये देखे तो गाइज यहाँ पे ये कह रहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करो, और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका जो फ्रेजेज होंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे आप वो निकालोगे। जो भी आपके यहाँ पे की फ्रेजेज होंगे यहाँ पे आपने पेस्ट करने, कोई भी आप नया पासवर्ड लगा दो, और आई हैव अ रीड एंड एग्री टू दिस टर्म्स एंड कंडीशन एंड इम्पोर्ट। ठीक है, अब हमारे केस के अंदर क्या है, हमने जो वॉलेट अभी बनाया ही नहीं है तो हम इसको इम्पोर्ट कैसे करेंगे। यस लेट गेट दिस सेटअप के ऊपर हमने क्लिक करना है, मीन्स हमने ये क्रिएट करना है वॉलेट मेटामास्क का, क्रिएट अ वॉलेट एंड आई एग्री। ठीक है, ये सारे जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे मैं डमी एक वॉलेट बना रहा हूँ, और इसको प्लीज़ हरगिज़ यूज़ मत करना कि भाई हमें बनी बनाई बिरयानी मिल गई है, हमने बस बोतल लेनी और खाना है, ये वाला काम हमने नहीं करना। यहाँ पे मैं एक डमी पासवर्ड लगाऊंगा, पासवर्ड आप कोई भी लगा दो स्ट्रॉन्ग सा। सो तो गाइज यहाँ पे जो पासवर्ड है आपने, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड ये कह रहे हैं। सो तो गाइज इस तरह का आपने पाकिस्तान, जैसे मैंने लिखा पी जो है वो बड़ा लिखा, बाकी सारे जो लफ्ज़ हैं वो छोटे, और उसके अंदर एक नंबर और उसके अंदर एक स्पेशल वर्ड आपने ऐड करना। अभी आप देखेंगे कि मेरा जो पासवर्ड है वो कहेगा ठीक है आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। अब इसी को मैं कंट्रोल वी दोबारा से कर देता हूँ, और आई हैव रीड एंड क्रिएट, इसको मैं डोंट करता हूँ, मुझे सेव नहीं करना। सो गाइज यहाँ पे आपको कुछ बताएगा सिक्योर योर वॉलेट ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। नेक्स्ट करना है आपने, और यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ये आपकी प्राइवेट कीज़ हैं। ठीक है, ये आपके प्राइवेट की हैं, ये आपका वॉलेट है, यही आपका ख़जाना है। ठीक है, अगर ये जो 12 वर्ड हैं किसी भी बंदे के हाथ लग गए तो आपका जो वॉलेट है वो इजीली हैक हो जाएगा। जितना भी चाहे $1 है या $1,00,000 पड़ा आपके वॉलेट में, वो आराम सुकून से आपका वॉलेट के अंदर से ये सारा फ़ंड विड्रॉ करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे फ़ंड गए किधर। ठीक है, इसको मैं जस्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और इसी वॉलेट को सेम एज़ इट इज़ मैं आपको इम्पोर्ट करके दिखाऊँगा मोबाइल के अंदर। और मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो भाई अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो इस प्रोजेक्ट के अंदर तो फिर इसको देखो, अगर अदरवाइज़ आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो।
नेक्स्ट हम करेंगे जो हमने की फ्रेजेस कॉपी किए उसको हम पहले नोट पैड के ऊपर लिखेंगे। तो मेरे केस के अंदर सबसे पहले ये कैपिटल है, फिर पायलट है, फिर बूस्ट है। तो मैं ये ऐसा करता हूँ, सब कुछ इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। सो नाउ गाइज, मैंने सारे जितने मेरे की फ्रेजेस थे मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको फिर कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करोगे कॉन्ग्रेचुलेशन आपको लिखा आएगा और ऑल डन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, हमें यहाँ पे अब ऐड करना पड़ेगा बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो एक चेन है उसको इंटीग्रेट हमें इसके साथ करना पड़ेगा। तो अब हम दोबारा से जाएंगे यहाँ पे गूगल पे और वहाँ पे सर्च करेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन। सो गाइज, ये वाला मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा कि हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन को। और मेक श्योर करना मेन नेट के ऊपर आपने रखना है, टेस्ट नेट के ऊपर आपने हरगिज़ नहीं रखना, ठीक है। अब जो हमारा नेटवर्क है वो है स्मार्ट चेन, ठीक है। कुछ भी आप इसको नाम वैसे रख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि स्मार्ट चेन करना है। और यहाँ पे इथेरियम मेन नेट जो है यहाँ पे इसको क्लिक करना, आपने कस्टम आरपीसी के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये वाला जो है हमारा एक जो बीएससी का आरपीसी वाला लिंक है वो देना हमने। अब गाइज आप देख रहे हो मेरे पास वो बार बार एक इशू आ रहा है, मेरी जो विंडो है वो क्लोज हो रही है। तो टेंशन नहीं लेनी, ये थ्री डॉट्स जो बने हैं यहाँ पे आपने एक्सटेंडर व्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब फिर वही हमें इथेरियम वाले के ऊपर क्लिक करना है, कस्टम आरपीसी यहाँ पे जो मैं बीएनबी लिख देता हूँ या कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो नाउ गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बीएनबी स्मार्ट चेन वाला लोगो आपको जब तक यहाँ पे दिखाई ना दे तब तक आपने यहाँ पे कंटिन्यू ही काम करना। और यही मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दूंगा कि हम अपनी बाइनेंस स्मार्ट चेन को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये सारा काम कर लिया, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका एड्रेस है इसको आपने कॉपी करके अपने वॉलेट के अंदर BNB डिपॉजिट करने हैं। किसी भी एक्सचेंज से या किसी भी जगह से आप ये BNB आपको फर्स्ट मेन चाहिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो आगे का थोड़ा प्रोसेस है वो चले मैं पहले तो यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको, PC के ऊपर ही, फिर जो मोबाइल वाला है वो बाद में करते हैं। अब यहाँ तक आई थिंक आपको फुली समझ आ चुकी होगी कि हमने सारा काम कैसे करना है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चल रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अब ये मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, ये जितने भी मैंने की फ्रेजेज कॉपी किए थे यही मैं दोबारा से उसी वॉलेट के अंदर, एक डमी वॉलेट जो बनाऊँगा मोबाइल के अंदर आपको दिखाने के लिए, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो गाइज प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनके कुछ होल्डर्स वगैरह दिखा दूँ कि इनके होल्डर्स कितने हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 10 लाख प्लस इनके जो होल्डर्स हैं, इनके टोकन के होल्डर हैं। इतना बड़ा हैवी ये प्रोजेक्ट है और हर मिनट के हिसाब से इसको बाय किया जा रहा है, ठीक है। अंधाधुन लोग बाय कर रहे हैं इसको क्योंकि लोगों को पता है ये एक वाकई में ही एक हैवी प्रोजेक्ट है। और इन्होंने सर्टिक को अपना जो प्रोजेक्ट है रिव्यू के लिए दिया हुआ है, ऑडिट के लिए। अभी ये जो इनकी प्रोग्रेस है ये चल रही है, जो कि मैंने अपनी एक पास्ट की प्रीवियस वीडियो के अंदर अभी आपको दिखाया। सर्टिक जो है काफ़ी बड़ी लेजेंड कंपनी है,
तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं अच्छे वाले, वो सर्टिक ही रिव्यू करता है इनका। और मैं आपको दिखा दूँ, अभी स्टार्टिंग फेज ही समझ लो है इसका, तो इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप्स कर ली हैं वॉल स्ट्रीट का। ये 96.2 इनके फॉलोअर हैं 1000, ठीक है 1000 के अंदर हैं, और ना कि ऐसे फेक वाले। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इनकी पार्टनरशिप्स, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनकी पार्टनरशिप्स हुई पड़ी हैं, ये आप देख सकते हो। और भी काफ़ी कंपनीज हैं, लेकिन मैंने कुछ थोड़ी सी निकाली हैं। इसका भी मैंने रिव्यू किया, इसका भी आपको आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, और इसके अंदर भी इस कंपनी के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई। और भी काफ़ी गाइस बड़ी पार्टनर कंपनीज हैं जिन्होंने इसके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप की है। और अगर इनका टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 60,000 प्लस इसके अंदर भी लोग हैं, इनके जो कम्युनिटी है इसको ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये सब हो चुका, अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अब गाइस जैसे ही आप इसको साइड के ऊपर आओगे तो आपको ये कहेगा कि अपना वॉलेट कनेक्ट करो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहीं पे, वो मेटामास्क वाला जो वॉलेट है आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपने मेटामास्क उसको सेलेक्ट करना और फिर ओके करना है, फिर आपसे ये पासवर्ड आपका मांगेगा जो आपने मेटामास्क के अंदर वॉलेट बनाते वक्त दिया था। सो गाइस मेरे पास इस टाइम मेरे मेटामास्क वॉलेट के अंदर 0.08 BNB पड़े हुए हैं, जो कि मैं आज आपके सामने दोबारा से लाइव इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि मैं पहले किसी चीज़ के अंदर जो मुझे अच्छी लगे पहले उसके अंदर खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं और फिर किसी को सजेशन करता हूं। अब मैं दोबारा से प्रोजेक्ट के अंदर लंबा सारा और रिव्यू नहीं करना चाहता, मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके दिखाऊँगा आपको, और फिर जो थोड़ी सी है वो मोबाइल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। अब हम जाएंगे पैनकेक स्वैप के अंदर, वॉलेट आपने यहाँ पे अपना कनेक्ट कर लेना है। और गाइस देख सकते हैं आप, मैं इसको वॉलेट को कनेक्ट जैसे ही करने लगा हूँ तो ये मुझसे अपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसका अप्रूवल मांग रहा है। वॉलेट जैसे ही आपका कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आपका जो है वॉलेट कनेक्टेड लिखा आ जाएगा, या आपके जो वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। गाइज ये है पैनकेक स्वैप का केक टोकन है, और मैं आपको एक प्लस पॉइंट यही बता दूं, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिकॉज़ इसका एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है अराउंड कुछ 22 या 24 तारीख को, जिसके ज़रिए से अराउंड कुछ इसकी $30 तक प्राइस शूट कर सकती है। तो अब हम चलेंगे पैनकेक स्वैप, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से ये जो हमारा WSG टोकन है इसको बाय करेंगे। तो गाइज हमें पैनकेक स्वैप पे जाने के बाद हमें दोबारा से अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट मेटामास्क। जैसे ही गाइज आप इसको कनेक्ट करना चाहोगे तो आपके सामने वो पहले अप्रूवल मांगेगा, फिर कनेक्शन देगा आपको, और आपका जो वॉलेट है अब कनेक्ट। तो गाइज हम एक्सचेंज के ऊपर आ चुके हैं, अब दोबारा से यहाँ पे हमें कनेक्ट वॉलेट करना है मेटामास्क के अंदर। अब यहाँ पे हम इसको बाय कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे हम दोबारा से पैनकेक कॉइन मार्केट कैप के अंदर, और यहाँ पर आपने ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर जो है आपने इसको सेलेक्ट करेंसी के ऊपर करना है, और सर्च एड्रेस या पेस्ट एड्रेस जो भी इसको इम्पोर्ट कर देंगे और आई अंडरस्टैंड कर देंगे। अब जो स्लिपेज है यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्लिपेज है वही रहने देनी है, ठीक है, आपने टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं कर दूँगा 0.4 कर देता हूँ मैं BNB के अंदर। तो गाइस 0.04 जब मैंने किया तो मुझे इतने ज़्यादा टोकन मिल रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसको स्वैप करूँगा, ठीक है, स्वैप करना मतलब के ख़रीदना। अब यहाँ से मुझे अप्रूवल मांगेगा मेरी ट्रांजैक्शन का, इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म, और इसको मैं कर दूँगा क्लोज़, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा यहाँ पर जो मेरे वॉलेट के अंदर मेरे टोकन आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन हो चुकी मेरी सक्सेसफुली, ये मेरे टोकन आ गए। अब मैं जाता हूं दोबारा से यहां पे पैसिव इनकम आपने गाइस कैसे करनी है, यहां पे स्टेकिंग के ऊपर आपने जाना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे लिंक से जाएंगे तो मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा।
यहाँ पे वॉलेट आपने मेक श्योर कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। मैंने देखे ऑलरेडी यहाँ पे अपनी डिपॉजिट किया हुआ है $38 की गाइज मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि कुछ देर पहले कॉइन की वैल्यू डाउन गई तो मेरे लिए अच्छा फ़ायदा हुआ, दोबारा से मैंने डिप के अंदर इसको बाय कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपने टोकन डिपॉजिट करूँगा, यहाँ पे मैं मैक्स कर दूँगा और डिपॉजिट कर दूँगा अपने टोकन दोबारा से। अब फिर मुझसे यहाँ पे एक अप्रूवल मांगा जाएगा, इसको मैं कन्फर्म करूँगा, जो कि मेरी फ़ीस है डिपॉजिट इन प्रोग्रेस। तो जैसे ही डिपॉजिट होगा यहाँ पे, जब जहाँ पे ये डिपॉजिट लिखा हुआ था यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाएगी डॉलर्स की। अभी मेरा जो फंड है डिपॉजिट के ऊपर क्लिक की है। सो गाइज मेरा जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है $52 यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर चुका हूँ गाइज यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेरी डेली अर्निंग है, कल की जो मेरी अर्निंग हुई अब तक 6 सेंट की हुई, अब मेरी जो अर्निंग है और ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया पीसी के अंदर, अब हम चलते हैं। तो गाइज मैं अब आ चुका हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। मैंने एक डमी वॉलेट डाउनलोड किया है, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट का, जिसको मैंने कॉपी किया है। अब यहाँ पे मैं आपको आज बता देता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है। वैसे मैं इसके लिए एक स्पेशली वीडियो भी बनाऊँगा, बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो कि कहते हैं हमें ट्रस्ट वॉलेट का पता नहीं बनाना कैसे है। तो क्रिएट अ न्यू वॉलेट भी आप कर सकते हो, आई हैव अ ऑलरेडी वॉलेट के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने न्यू वॉलेट बनाना है तो क्रिएट अ न्यू वॉलेट, मैं अब यहाँ पे वो नहीं करना चाहता, मैं वही वॉलेट आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मल्टी चेन है, ठीक है, मेरे पास वॉलेट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट जैसे ही मैं करूँगा, अगर मेरे इस डमी वॉलेट के अंदर जितना भी मेरा फंड पड़ा होगा तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा मेरा ये सारा वॉलेट। ये वही वॉलेट है जो मैंने पीसी के अंदर एक डमी वॉलेट बनाया था। अब मैं चलता हूँ अपने रियल वाले वॉलेट के अंदर और इस वॉलेट के मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो गाइज मैं अब आ चुका हूँ अपने मेन वॉलेट के अंदर। यहाँ पे मेरे पास $18 के, मतलब समझ लो $19 के मेरे पास BNB पड़े हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मान के कि आपके पास मोबाइल के अंदर भी फंड आ चुका। अब यहाँ पे आपने डेप्स के ऊपर क्लिक करना है। डेप्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने सी ऑल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोबारा आपने पैनकेक स्वैप को ही सिलेक्ट करना है आके, ठीक है। सो गाइज हमारे पास हमारा पैनकेक स्वैप जो है ओपन हो चुका है। सेलेक्ट आ करेंसी के ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे WSD के ऊपर आपने सर्च कर देना है। हमारे पास ये हमारा टोकन आ चुका WSD। अब आपके पास ये अगर ना आए तो आपने फिर वही सेम कॉइन मार्केट कैप से इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पर आपने दोबारा से इसको पेस्ट कर देना आके। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जितने भी आपके पास BNB पड़े हैं आपने इसको सारे को स्वैप नहीं करना, इसके अंदर से आपने कुछ बचा लेने हैं। लाइक मेरे पास अगर 0.04 है तो मैं यहाँ पे स्वैप करूँगा 0.03, इसको मैं स्वैप करूँगा और मेरे पास नीचे टोकन्स आ गए मेरे के, मुझे इतने टोकन मिलेंगे। अब इसको मैं कर दूँगा स्वैप। स्वैप करने के बाद फिर वही हमारा डेस्कटॉप वाला कन्फर्म आ जाएगा। और गाइज यहाँ पे आपसे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल है हमें इसको अप्रूव करने का बोल रहा है, इसको हम कर देते हैं अप्रूव और फिर मुझसे वो अपना पासवर्ड मेरा मांगेगा। तो गाइज हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास WSG टोकन आ चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास WSG टोकन मेरे पास आ चुके हैं। अब हमने इस सारे प्रोसेस को क्लियर कर देना है और दोबारा से हमें उसी साइट के ऊपर जाना है जो कि ये वाली थी WSG.GG, ठीक है, इसी वेबसाइट के आपने तो ऊपर दोबारा से जाना है इसको स्टेक करने के लिए। अब स्टेक के ऊपर होगा क्या, ये आप स्टेकिंग यहाँ पे कर दोगे और आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, एक पैसिव इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब आपके केस के अंदर गाइज अगर यहाँ पे स्मार्ट चेन ना है, इथेरियम आपका डिफ़ॉल्ट होगा, तो आपने यहाँ पे स्मार्ट चेन के ऊपर क्लिक करना है, ये जो मैंने इस लोगो के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस 3 लाइंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे
और फिर हमें वो कहेगा कि अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट करो। ये जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे कनेक्ट टू वॉलेट लिखा हुआ है। और मेरा वॉलेट जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से डिटेल के ऊपर जाऊँगा। डिटेल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डिपॉज़िट के ऊपर जाऊँगा। डिपॉज़िट के ऊपर जाने के बाद फिर से मैक्स करूँगा, डिपॉज़िट के ऊपर फिर क्लिक कर दूँगा। मुझे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है उसको अप्रूव करवाएगा। 37 सेंट की मेरे फीस यहाँ पर लगेगी और डिपॉज़िट इन प्रोग्रेस लिखा आएगा। तो डिपॉज़िट जो है हमारा वो दोस्तों सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे जो मेरी अर्निंग है, देखिए फौरन मेरी अर्निंग जो है इंक्रीज़ होगी। 7 सेंट का मेरे पास प्रॉफिट है यहाँ पे। और जो मेरी यहाँ पे डिपॉज़िट हो चुका है, $65 मैंने डिपॉज़िट कर दिए हैं। अब मुझे जो डेली की पैसिव इनकम एक मेरी यहाँ से शुरू हो चुकी है। सो तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी हैवी वाला यहाँ पर मैंने आपको रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझोगे और प्रैक्टिकली ख़ुद भी करोगे। और मैं ये मान के चलता हूँ मिनिमम अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर $20 का भी रिस्क नहीं ले सकते हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, तो आप क्रिप्टो से कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करो। और जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है आकिब जावेद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।